चाणक्य आई एस अकेडमी करंट अफेयर्स में आप सभी का स्वागत है आज हम बात करने वाले हैं जी ट्वेंटी सम्मेलन 2023 के बारे में जो हाल ही में नई दिल्ली में सम्पन्न हुआ है देश की राजधानी में दो दिन तक चला जी ट्वेंटी सम्मेलन 10 सितंबर को सम्पन्न हो गया इस सम्मिट को कुछ मायनों में ऐतिहासिक कहा जा सकता है इंडोनेशिया के बाली में पिछले साल हुई सम्मिट की तरह नई दिल्ली सम्मिट पर भी रूस यूक्रेन जंग का साया नजर आया इसके बावजूद जॉइंट डिक्लेरेशन जारी हुआ इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 से ज्यादा राष्ट्राध्यक्षों के साथ द्विपक्षीय बातचीत की एक डील का जिक्र सबसे ज्यादा हो रहा है ये है भारत यूरोप मिडिल ईस्ट की इकोनॉमिक कॉरिडोर डील इसके अलावा करीब तीन साल बाद अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस की मोदी की मौजूदगी में गर्मजोशी वाली मुलाकात भी बड़ी कामयाबी मानी जा सकती है इसके अच्छे नतीजे जल्द देखने को मिलेंगे अब आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सम्मिट की प्रमुख बातों के बारे में सबसे पहले शुरू करते हैं जॉइंट डिक्लेरेशन से डिप्लोमेटिक फ्रंट पर ये भारत की बड़ी जीत है हालांकि इसके लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ी सभी सदस्य देशों की सहमति के साथ नई दिल्ली लीडर सब्मिट डिक्लेरेशन जारी हुआ यूक्रेन मुद्दे पर सहमति बनाने में भारतीय दल ने काफ़ी मेहनत की शुरुआत में इसमें काफ़ी दिक्कतें थीं लेकिन मोदी ने वर्ल्ड लीडर के साथ पर्सनल केमिस्ट्री का इस्तेमाल किया और ये बड़ी दिक्कत दूर हो गई भारत की दलील यह है कि यूक्रेन मसले का असर दूसरे अहम मुद्दों पर नहीं पड़ना चाहिए डिक्लेरेशन पास होने के बाद विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि सभी देशों ने नई दिल्ली घोषणा पत्र मंजूर किया है सभी लीडर्स ने माना है कि जी ट्वेंटी राजनीतिक मुद्दों को डिस्कस करने का प्लेटफॉर्म नहीं है घोषणा पत्र में यूक्रेन जंग का चार बार जिक्र हुआ है अगर इस घोषणा पत्र की बात करें तो ये सैंतीस पेज का घोषणा पत्र है और इसमें तिरासी पैराग्राफ है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि हमें चुनौतीपूर्ण समय में अध्यक्षता मिली जी ट्वेंटी का साझा घोषणा पत्र सैतीस पेज का है इसमें तिरासी पैराग्राफ है इसके प्रमुख प्रस्तावों की अगर बात करें तो इसमें शामिल है सभी देश सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल पर काम करेंगे भारत की पहल पर वन फ्यूचर अलायंस बनाया जाएगा सभी देशों को यूएन चार्टर के नियमों के मुताबिक काम करना चाहिए बायोफ्यूल अलायंस भी बनाया जाएगा इसके फाउंडिंग मेंबर भारत अमेरिका और ब्राजील होंगे एक धरती एक परिवार एक भविष्य पर जोर दिया जाएगा मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंकिंग को मजबूती दी जाएगी ग्लोबल साउथ की प्राथमिकताओं पर फोकस किया जाएगा करेंसी पर ग्लोबल पॉलिसी बनाई जाएगी कर्ज को लेकर बेहतर व्यवस्था बनाने पर भारत ने कॉमन फ्रेमवर्क बनाने की बात पर जोर दिया है ग्रीन और लो कार्बन एनर्जी टेक्नोलॉजी पर काम किया जाएगा साथ ही सभी देशों ने आतंकवाद के हर रूप की आलोचना भी की है अब हम बात करेंगे इंडिया यूरोप और मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर के बारे में दुनिया के कई बड़े गरीब देशों को कर्ज के जाल में फंसाने वाले चीन ने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के जरिए यूरोप तक ट्रेड रूट बनाने का ख्वाब देखा है इस मेगा प्रोजेक्ट का एक अहम हिस्सा पाकिस्तान में है इसे चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी सी कहा जाता है अब इसके जवाब में इंडिया यूरोप और मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर डील हुई है इसमें भारत यूनाइटेड अरब ऑफ अमीरात सऊदी अरब यूरोपियन यूनियन इटली जर्मनी फ्रांस और अमेरिका शामिल हैं जल्द ही कुछ और देश भी इसका हिस्सा बनेंगे इसके साथ ही अफ्रीकन यूनियन को जी की परमानेंट मेंबरशिप मिली है सम्मिट के पहले सेशन में भारत ने अफ्रीकन यूनियन को जी का परमानेंट मेंबर बनाने का प्रस्ताव रखा था बतौर अध्यक्ष सभी देशों की सहमति से पीएम मोदी ने जैसे ही इसे पारित किया अफ्रीकन यूनियन के हेड अजाली असोमानी जाकर पीएम मोदी के गले लग गए और भावुक भी हो गए भारत के प्रस्ताव का चीन और यूरोपियन यूनियन ने भी समर्थन किया यूनियन को मेंबरशिप मिलने से अफ्रीका के पचपन देशों को फायदा होगा अब हम बात करेंगे बायलैटरल संबंधों के बारे में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक सहित मोदी ने 10 से ज्यादा राष्ट्राध्यक्षों के साथ द्विपक्षीय बातचीत की ये जी ट्वेंटी जैसे प्लेटफॉर्म पर ही मुमकिन हो सकता था ब्रिटेन से फ्री ट्रेड डील और अमेरिका से कई समझौतों पर बातचीत जल्द ही नतीजे पर पहुंचेगी। अफ्रीकी यूनियन के पचपन देश इसके लिए भारत को श्रेय दे रहे हैं चीन अफ्रीकी यूनियन में तेजी से पैर पसार रहा है भारत अब उससे दो कदम आगे निकल जाएगा और फ्यूचर में ट्रेड और खास तौर पर मिनरल माइनिंग में भारतीय कंपनियों को इसका फायदा भी मिलेगा अमेरिका और सऊदी अरब की दूरियां भी इस समय कम हुई हैं बाइडन और सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की करीब तीन साल से चली तलखियां कम होती नज़र आई हैं मोदी की मौजूदगी में दोनों नेताओं ने पहली बार हाथ मिलाए वर्ड स्पेक्ट्रम में देखा जाए तो चीन ने हाल ही में सऊदी ईरान डिप्लोमेटिक रिलेशन बहाल कराए थे इसके बाद वो मिडिल ईस्ट में बड़ा रोल प्ले करने की कोशिश कर रहा था बाइडन और प्रिंस सलमान की वजह से अमेरिका और सऊदी अरब के बीच आ रही दूरियों का चीन फायदा उठाना चाह रहा था अब ये बहुत मुश्किल हो जाएगा जी में कुछ मुद्दे ऐसे भी रहे जो बहुत कम चर्चित रहे उसमें पहला है रूस यूक्रेन जंग वेस्टर्न वर्ल्ड और वहाँ का मीडिया भारत से हमेशा शिकायत करता रहा है कि भारत रूस के खिलाफ ना तो कोई बयान देता है ना ही यूएन में उसके खिलाफ वोटिंग करता है इसके अलावा भारत ने रूस से काफी क्रूड ऑयल खरीदा और करोड़ों डॉलर बचाए रूस को पेमेंट रुपए में किया गया है इंडियन डिप्लोमेट्स ने नई दिल्ली जी ट्वेंटी सम्मिट में इस मुद्दे को पब्लिकली नहीं उठने दिया और इसी वजह से किसी तरह के मतभेद भी नहीं उभरे हालांकि ये ग्रेन डील से रूस से अलग होने के बाद फूड क्राइसिस बढ़ने का खतरा है और अब भारत को कोई स्टैंड जरूर लेना पड़ेगा दूसरा मुद्दा था चीन और विस्तारवाद जिस पे कम चर्चा हुई इंटरनेशनल फोरम पर भारत ने हमेशा विस्तारवाद का विरोध किया है इसके खिलाफ आवाज उठाने की अपील की है हालांकि चीन का नाम लेने से गुरेज भी किया है इस समिट में भारत ने इस मुद्दे को इम्पोर्टेंस नहीं दी 9 सितंबर को जब फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर से चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की गैर मौजूदगी पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हम मानते हैं कि नई दिल्ली जी ट्वेंटी सम्मिट में चीन ने सपोर्टिंग रोल प्ले किया है हालांकि वो कंस्ट्रक्टिव शब्द से परहेज करते दिखे अब इस समिट में ग्लोबल साउथ टेररिज्म और मनी लॉन्ड्रिंग पे क्या बात हुई उस पर बात करेंगे सबसे पहले बात करते हैं ग्लोबल साउथ के बारे में ग्लोबल साउथ काफी पुराना शब्द है हालांकि हालिया वक्त में इसका इस्तेमाल ज्यादा होने लगा है बहुत आसानी से समझें तो ग्लोबल साउथ उन देशों को कहा जाता है जो गरीब या कम विकसित हैं भारत ने इन देशों के लिए आवाज बुलंद की है इसकी मिसाल आपको अफ्रीकन यूनियन के जी में शामिल होने से ही मिलती है फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर ने 9 सितंबर को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि प्रधानमंत्री मोदी ने इंडोनेशिया में अफ्रीकी यूनियन के प्रेसिडेंट से जी मेंबरशिप दिलाने का वादा किया था यह अब पूरा हो चुका है इसके अतिरिक्त है टेररिज्म और मनी लॉन्ड्रिंग की बात तो इस पर खुले मंच पर बात हुई है 9 सितंबर को फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने कहा कि एफ और बाकी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन टेररिज्म और मनी लॉन्ड्रिंग पर टास्क फोर्स बनेगा इसके अलावा मेंबर कंट्री एक ब्लूप्रिंट तैयार करेंगे ताकि टेररिज्म के सबसे बड़े सोर्स मनी लॉन्ड्रिंग और ड्रग स्मगलिंग को काबू किया जा सके खास बात यह है कि इस मामले में किसी आतंकी संगठन या किसी देश का नाम नहीं लिया गया मसलन पाकिस्तान दरअसल पाकिस्तान में मौजूद कई खुंकार आतंकियों पर एक्शन को चीन यूएन में वीटो के जरिए रोक देता है अब हम बात करेंगे कि भारत ने किन बातों पर विशेष जोर दिया पहला है जी को विवादों का अखाड़ा ना बनाया जाए जब यूक्रेन मुद्दे पर जॉइंट डिक्लेरेशन अटकता या फंसता दिखाई दिया तो भारत के शेरपा अमिताभ कांत और उनकी टीम ने सभी मेंबर कंट्री को समझाया कि जी इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स और कॉन्फ्लिक्ट्स को सॉल्व करने का प्लेटफॉर्म नहीं है इससे नई दिल्ली समिट भी सक्सेसफुल हो गई और भविष्य के लिए दूसरे मेजबान देशों की राह भी शायद आसान हो गई मोदी ने वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर का कॉन्सेप्ट दिया इसके साथ ही ग्लोबल साउथ की मुश्किलों पर फोकस करने पर जोर दिया नतीजा ये हुआ कि अफ्रीकन यूनियन को जी ट्वेंटी की मेंबरशिप मिल गई मोदी ने साफ कहा कि विकास और बुनियादी अधिकारों की दौड़ में कोई देश पीछे ना रह जाए हमें यही तय करना है यह अब अंतर्राष्ट्रीय विचार होना चाहिए इसके साथ ये कहा जा सकता है कि भारत में हुई जी ट्वेंटी सबमिट बिल्कुल सफल रही आज का हमारा ये टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है हम कल फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ आप हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें धन्यवाद डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू ने